बाप इतना बड़ा कि सारे इलाके में ना, राजद्वार में भी सम्मान। मुंह खोले श्लोक, हंसे श्लोक, छींके श्लोक, इधर बेटा निरामूर्ख बाप का नाम भी बता नहीं सकता। पंडित ने बहुत कोशिश की, सब बेकार। वह राजद्वार से जाकर पैसे लाता, बेटा सब खा पी लेता, दंता ताश चौपड़ खेलता, कुसंगियों का साथी बना, कुछगा बैठता। पंडित ने मरते समय छड़ी माथे पर रख कहा, तुम तो कुछ बने नहीं, जितना समझाया वैसे ही रहा। सदा बड़े का आश्रय लेना, छोटे के पास न फटकना। बेटे ने सब कुछ बेच उधार कर श्राद्ध कर दिया। अब दुनियादारी की बात दिमाग में आई, कैसे हो क्या करे, सिर पर हाथ दे बैठ गया। सोचने लगा, बापू की बात याद आई, बड़ों का आसरा, छोटे के पास न फटकना। उनके पास कौन नहीं जाता, मारने वाले को मारे, राजा बैठे सिंहासन पर, लक्ष्मी बैकुंठ छोड़ राजा के भंडार में, सरस्वती है दरबार में, राजा के आश्रय में सारा दुःख मिटेगा। मूर्ख राजसभा में आया मगर सहमा खड़ा रहा, किसी ने न पूछा न पास बिठाया, सीधे मुंह बात न की। कुछ कहना चाह रहा था तभी एक पंडित वहां पहुंचा। राजा ने आकर पंडित को नमस्कार किया। मूर्ख को लगा राजा से बड़ा है, धन से विद्या बड़ी है। वह पंडित के पीछे हो गया। पंडित ने पूछा, अरे मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। मूर्ख ने कहा, राजा ने जब आपको नमस्कार किया, आप बड़े हैं। बापू ने कहा था, बड़े का आसरा लेना, मैं आपके आश्रय में रहूंगा। पंडित ने सोचा, वाह मेरी बात तो पानी की लकीर है, कमाकर लाओ तो चूल्हा जले, मैं इसे कैसे चलाऊंगा, समझाएं क्या बनेगा। तभी अक्ल आ गई, मूर्ख पीछे पीछे चला। पंडित ने देखा, खेत की बाड़ के सहारे सहारे सियार सियारनी आ रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद पंडित ने दोनों को नमस्कार किया। मूर्ख देखकर सोचने लगा, पंडित तो सियार को नमस्कार कर रहा है, तो पंडित कैसे बड़ा होगा, ये सियार सियारनी बड़े हैं। मूर्ख उनके पीछे चला। सियार ने सोचा, यह हमें मारने आ रहा है, भागना होगा। मूर्ख ने पीछा किया, रास्ते से गली, गली से खेत बाग, उजाड़ में भागते भागते 3 दिन 3 रात चले। भागने के चक्कर में सियार सियारनी पानी की बूंद भी नहीं पी सके, थक गए, प्राण गले में आ गए, स्वर्ग में हलचल, दोनों की उम्र पूरी हुई नहीं। अकाल में पर स्वर्ग को दोष लगेगा, यह मूर्ख है जो जिद पकड़ी, नहीं मानेगा क्या करे। लक्ष्मी जी बोली, बौला गाय की बछिया है, वह सोना गोबर करती है, वह इसे दे दो, धन मिलेगा तो जिद छोड़ देगा। सरस्वती सियारनी के गले में बैठी, आदमी के स्वर में बोली, अरे हमारे पीछे क्यों भागते हो, यह गाय हमारी इष्ट गुरु है, इसे ले जाओ, यह तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी। दोनों ने एक झुरमुटे में घुसकर चैन की सांस ली। ब्राह्मण गाय को बांध घर ले आया, घोर अंधेरा, इस समय कहां जाए, तेली के बरामदे में गाय बांध दी। बड़ी सुबह तेली उठा, बटोही बरामदे में सोया है, पास में गाय बंधी है, उसके पीछे गोबर नहीं, सोना के 3 लेंदे पड़े, इतना सोना कभी नहीं देखा, आंखें देख चौड़ी हो गईं। गमछे में लपेट घर ले जाने लगा, ब्राह्मण की नींद टूट गई, ऐ मेरा धन ले जा रहा है, तेली तेरा उपकार किया, उल्टे मुझे कहता है तेरा धन मैं ले रहा हूं, मेरे खूंटे ने सोना दिया। इस तरह मेरी गाय मेरी खूंटी करते करते धक्का दे तेली ने घर में घुस किवाड़ बंद कर लिया। ब्राह्मण ने राजा से जाकर फरियाद की, उससे पहले तेली फरियाद ले पहुंच गया।
उसने सोने की दो मुहर राजा को भेंट दे दी। राजा ने विचार कर कहा, गाय बछिया जन्म दे, सोना नहीं जन्मती। ब्राह्मण, मैं साक्षी दूंगा। राजा, साक्षी कौन है? ब्राह्मण, सियारसियारनी। राजा बुला उन्हें। ब्राह्मण ने जाकर सियारसियारनी के निहोरे किए, कुछ न सुना। कहा, तुम मनुष्यों का विश्वास नहीं, इसमें खतरा है, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, जरूरत हो तो तुम हमारे पास आओ। तब राजा वहां गए, सियार एक ओर बैठा। राजा, तू ब्राह्मण का साक्षी है? जी हाँ, गाय सोने का गोबर करती है, ब्राह्मण का कहना सच है, ये लक्ष्मी जी की गाय है, स्वर्ग की है, सोना जन्म करती है, सच झूठ महाराज पहचान ले। तेली ब्राह्मण घबरा गए, आंख पर पट्टी बांध दें, जिसके सिर पूंछ रख दूं, सोना उसका। उन्होंने सात परत पट्टी सियार की आंख पर बांधी। तेली ब्राह्मण पांच बार इधर उधर हो बैठे। सियार ने ब्राह्मण के सिर पूंछ रख कहा, सच हो, सब सच। ब्राह्मण सोना लेकर राजा से पांच सिर उपाव ले घर लौटा। पीछे पीछे लौटी बौला गाय की बछिया। तेली मामा घर में आकर अपने धंधे में लगा।